नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कॉस्मेटिक शॉप के सेटअप के बारे में बताया था कि आप अपनी नई शॉप बनाने जा रहे हैं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आज मैं आपको अंदर के सेटअप के बारे में बताना चाहूँगा कि आपको अपने कॉस्मेटिक शॉप में काउंटर किस दिशा में लगाना है, आपकी अपनी सिटिंग कहाँ होनी चाहिए, आपके अपने जो रैक्स हैं वो कहाँ कहाँ लगने चाहिए। आपने अपने यहाँ पर पीने का पानी कहाँ रखना है उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। आपकी शॉप वेस्ट फेसिंग यानी पश्चिम मुखी है तो आपको अपने यहाँ पर जो एंट्रेंस बनानी है वो एंट्रेंस कहाँ से बनानी है। आप अपनी एंट्रेंस वेस्ट सेंटर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक इस जोन में आप अपनी एंट्रेंस बनाएं। यहाँ पर आपका अपना कंप्लीट फिक्स ग्लास आएगा। आपकी दुकान की चौड़ाई, आपके शोरूम की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप अपनी एंट्रेंस वेस्ट सेंटर में भी बना सकते हैं। ये दोनों एंट्रेंस आपकी बिल्कुल सही है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर रैक्स कहाँ लगाने हैं। सबसे पहले तो आपने अपने यहाँ पर जो रैक्स लगाने हैं वो साउथ वॉल पर लगेंगे। यहाँ पर आपको अपना रैक आ जाएगा। इसमें नीचे के भाग में आपकी स्टोरेज आ जाएगी और ऊपर के भाग में आपकी अपनी डिस्प्ले आएगी। ऐसे ही रैक एक आपका ईस्ट वॉल पर यहाँ पर भी आ जाएगा। यहाँ पर आपने लाइट वेट का सामान रखना है। ऐसे ही आपका एक रैक नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ होते हुए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक यहाँ पर भी आपको अपना रैक आ जाएगा। यहाँ पर आपने जो डिस्प्ले करनी है वो बिल्कुल लाइट वेट की डिस्प्ले करनी है। आपने अपने यहाँ पर लुकिंग मिरर लगाना है तो लुकिंग मिरर आप नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट तक इस जोन में आप अपना लुकिंग मिरर लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं यहाँ पर? लुकिंग मिरर। यहाँ पर आप अपना लुकिंग मिरर लगा सकते हैं। आपने अपना काउंटर कैसे बनाना है? दुकान की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप यू शेप में अपने काउंटर लगा सकते हैं और दुकान की चौड़ाई आपकी कम है तो आप अपने यहाँ पर एल शेप में इस प्रकार से आप अपना काउंटर लगा सकते हैं। आपका अपना फ्रंट में फिक्स ग्लास है तो आप अपने यहाँ पर भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ये आपका एल शेप में आपका अपना काउंटर लग जाएगा। काउंटर के ऊपर टॉप के हिस्से में आपका ग्लास आ जाएगा और इसके अंदर भी आपकी डिस्प्ले प्लस स्टोरेज हो जाएगी। ईस्ट वाले भाग में यहाँ पर आपने स्टोरेज नहीं करनी है। यहाँ पर आप अपनी कंप्लीट स्टोरेज कर सकते हैं नीचे के भाग में, यानी काउंटर के जो नीचे का भाग होता है उसके अंदर आप अपनी स्टोरेज कर सकते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा जब आप अपना काउंटर बनाएं तो यहाँ पर भी आप अपना एक एल शेप का काउंटर जरूर बनाएं, यानी ये काउंटर आपका इस तरीके से बन जाएगा। आपकी अपनी सीटिंग यानी ऑनर की जो सीटिंग है वो सीटिंग यहाँ पर रहेगी और स्टाफ की जो सीटिंग है वो आपकी अपनी यहाँ पर आएगी। आपने अपने यहाँ पर जो कैश बॉक्स बनाना है, कैश बॉक्स ऑनर के राइट हैंड पर यहाँ पर कैश बॉक्स बन जाएगा जो कि आपका साउथ की ओर ओपन होगा, और एक कैश बॉक्स आपका मेन वो यहाँ पर बनेगा जो कि आपका अपना ईस्ट की ओर ओपन होगा। रूटीन के लिए आपने ये इस्तेमाल करना है। जब पैसा ज़्यादा आ जाता है, पैकेट बन जाता है, तो वो पैसा आपने ईस्ट ड्रॉअर के अंदर रखना है। किसी भी व्यक्ति को आपने पेमेंट देनी है तो कोशिश करें कि पेमेंट आप इसी ड्रॉअर से निकाल कर देंगे तो वो पेमेंट अगले व्यक्ति के भी काम आएगी और साथ में अपना पैसा वेस्ट भी नहीं होगा। अब इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर कंप्यूटर रखना है तो वो कंप्यूटर आपने कहाँ रखना है। आप कंप्यूटर यहाँ पर भी
रख सकते हैं। जो ये स्टाफ है ये बंदा भी इसको एक्सेस कर सकता है, और आप भी इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आप भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपकी कॉस्मेटिक शॉप है, आपके यहाँ ज़्यादातर प्रोडक्ट पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं, तो आपको अपने यहाँ पर ध्यान रखना है। यदि मंदिर लगाना है तो मंदिर आपका ईस्ट सेंटर से साउथ ईस्ट जोन, इस जोन में आप अपना मंदिर लगा सकते हैं, लेकिन सेफ्टी पॉइंट आपने खुद देखना है। पीने का पानी आपने कहाँ रखना है? पीने का पानी आपने नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट के बीच में, इस जोन में आप अपना पीने का पानी रख सकते हैं। कस्टमर के बैठने की सीटिंग बनानी है तो आप यहाँ पर नॉर्थ सेंटर से गेट तक कस्टमर के बैठने की सीटिंग भी बना सकते हैं। अब इसी के साथ आपने ध्यान रखना है, जब आप अपने रैक साउथ वॉल पर, ईस्ट वॉल पर और नॉर्थ वॉल पर लगाएं, तो इसमें ध्यान रखना है जो आपका अपना नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर में आपने हैवी सामान नहीं रखना है, ये कॉर्नर आपका बिल्कुल लाइट वेट का रहेगा। और जो आपके अपने ये साउथ वॉल है, साउथ ईस्ट से साउथ होते हुए साउथ वेस्ट तक, यहाँ पर साउथ वेस्ट से भरते हुए सामान को साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक सबसे हैवी सामान रखना है। जो आपके यहाँ सबसे हैवी सामान है, सबसे हैवी प्रोडक्ट है, उसको आपने साउथ वॉल पर रखना है। यहाँ के रैक यानी जो साउथ का रैक है, साउथ वेस्ट कॉर्नर से साउथ होते हुए साउथ ईस्ट तक, इस रैक के ऊपर का जो हिस्सा बचता है, यानी रैक आपने 8 फीट के हाइट के लगाए हैं और 8 फीट से सीलिंग तक जो स्पेस बचता है, तो उस स्पेस में भी आपने माल भर के रखना है। और आप रैक अपने फर्श से लेकर सीलिंग तक टच करते हुए बनवाते हैं तो भी आपके साउथ का रैक हमेशा ही फुल होना चाहिए। नॉर्थ का रैक आपका बिल्कुल लाइट वेट का होना चाहिए और ईस्ट वॉल का रैक भी आपका लाइट वेट का होना चाहिए। आपने कुछ हैवी सामान रखना है तो ईस्ट सेंटर से साउथ ईस्ट तक, इस जोन में आप हैवी सामान रख सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में आपने हैवी सामान नहीं रखना है। रैक आपके सभी ऑफ वाइट कलर के बनेंगे। जो आपका अपना काउंटर है वो ऑफ वाइट कलर भी हो सकता है, लाइट ब्राउन कलर भी हो सकता है। आपने अपने यहाँ पर डोरमैट जो रखना है वो ग्रे कलर का डोरमैट रखना है, और आपने अपने यहाँ पर बाहर कोई सामान डिस्प्ले के लिए लगाना है तो वो सामान आप यहाँ पर भी डिस्प्ले के लिए लगा सकते हैं, और आप यहाँ पर भी सामान डिस्प्ले के लिए लगा सकते हैं। जो आप अपना बोर्ड लगाएंगे, बोर्ड के अंदर जो कलर होने चाहिए वो आपका वाइट कलर, ग्रे कलर, सिल्वर कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर भी ले सकते हैं, क्रीम कलर भी ले सकते हैं, और आप यहाँ पर येलो कलर भी ले सकते हैं। किस में? बोर्ड में, जो आप अपना बोर्ड लगाएंगे। बस ध्यान रखना है बोर्ड के आगे आपके यहाँ तारों का जंजाल नहीं होना चाहिए। मैंने आज आपको वेस्ट फेसिंग कॉस्मेटिक शॉप के बारे में बताया है। आपकी अपनी वेस्ट फेसिंग कॉस्मेटिक शॉप है और अच्छी नहीं चल रही है, आप ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं, तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें और विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी द्वारा दी गई जानकारी सही है तो आप अपने यहाँ पर छोटे छोटे बदलाव करके अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। और आप वास्तु सीखना चाहते हैं या वास्तुशास्त्र में रुचि रखते हैं तो भी आप हमारी यह पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो मंगवा सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे अपनी साइट का मैप भेजकर ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं। और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। और आप हमें अपने यहाँ साइट विजिट के लिए इन्वाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इन्वाइट कर सकते हैं। ये सभी सर्विसेज हमारी चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।